दोस्तों आदाब। कर्नाटक के चुनाव हो चुके हैं। चुनाव की काउंटिंग के दौरान आपने बहुत से जमूरे मदारी के खेल आपने देख चुके लिया। कर्नाटक में कांग्रेस एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई है 135 सीटों के बाद। अगर 1999 के आंकड़ों से लेकर के अभी तक के पूरे आप उठा करके इतिहास देखें तो इसको एक कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत तो कांग्रेस की कह सकते हैं। वही भाजपा की हार हुई है, ये भी आपने जान लिया है। मगर इन सबके बीच एक अंदर की बात यह है कि कर्नाटक राजनीतिक प्रयोगशाला भी एक रही है, एक राजनीति की प्रयोग वहां पे हुआ है कर्नाटक में। एक तरफ वोकालिंगा समुदाय, लिंगायत समुदाय को जहां साधने की कोशिश की गई, उसी बीच पसमांदा मुसलमानों के लिए भी बड़ा जोर हुआ। बीजेपी ने पसमांदा मुसलमानों के संबंध में कई दावे किए और पसमांदा मुसलमानों के अपने साथ होने की बात किया। मैं कल एक ट्विटर पे एक साथ सज्जन का पोस्ट देख रहा था, उनके पोस्ट में यह था कि क्या मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया, तो उसमें भाजपा में मुसलमानों में कई कैटेगरी उन्होंने लिखा हुआ था, मुसलमान, पसमांदा मुसलमान। अब सवाल यह उठता है कि पसमांदा ये शब्द है क्या? बेसिकली देखिए, इंडिया के अंदर पसमांदा शब्द का इजाद अगर आप देखेंगे तो 1998 में पसमांदा मुस्लिम महाज नाम से एक संगठन की तामीर होती है। यह संगठन पटना के अली अनवर साहब ने किया था। अली अनवर साहब अंसारी समुदाय से आते हैं। अब जिस समुदाय को पसमांदा माना जा रहा है, यह पसमांदा समुदाय होता क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते चलते हैं। पिछड़े और दलित मुसलमान, यहां ये शब्द को ध्यान दीजिएगा, पिछड़े और दलित मुसलमानों को पसमांदा मुसलमान माना जाता है। अब अगले मुसलमान कौन है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। अभी तक आपने ये सोचा होगा कि मुसलमान, अब इसमें अगले और पिछड़ों की जो सियासत ने एक डिफिनेशन तैयार किया कि जो पसमांदा मुसलमान और उसके बाद जो है अगले मुसलमान। अगले मुसलमानों की अगर बात करें तो सैयद, शेख, सिद्दीकी और पठान, ये चार कास्ट जो होती है इसको अगले मुसलमानों में माना जाता है। अगर आप आबादी की बात करें तो मुस्लिम आबादी का महज 12 से 14% ये चार कास्ट अपर कास्ट में आती है। बाकी जितनी भी आप आबादी देखते हैं मुस्लिम आबादी में, ये पिछले मुसलमानों में आती है। बेशक रंगनाथ मिश्रा कमेटी या सच्चर कमेटी की चीजों को आप उठा करके देख लें तो मुसलमानों के क्या हालात है उसमें है, उसमें ब्यौरा है। कांग्रेस भले से दावा करती है कि मुस्लिम हालात के लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अकेले कांग्रेस ही नहीं, कई सियासी दल इस तरीके का दावा करते हैं, मगर 10 साल तक कांग्रेस खुद सत्ता में रही है। सच्चर कमेटी की सिफारिशों को ले ले या रंगनाथ मिश्रा की सिफारिशों को ले ले, उसमें से किसी के ऊपर किसी भी राजनीतिक दल ने कोई बहस नहीं किया, कोई मुकाबला नहीं किया, किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई। पसमांदा मुसलमान यानी कि पिछड़े मुसलमानों का अगर उर्दू अदब में जाते हैं तो उर्दू अदब में एक इसके लिए बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज है कि फैज अहमद फैज साहब ने भी अपनी नज्म में इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है कि मर्दूदे हरम, मतलब वंचित समाज। मुस्लिम समाज को अगर आप गहराई से देखेंगे तो इसमें वंचित समाज समाज के अंदर नहीं आता है, क्योंकि समाज में, मुस्लिम समाज में ऊंच नीच की भावना नहीं है। एक ही सब में खड़े हो गए अमीरों अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अल्लामा इकबाल का ये कलाम है। नमाज होती है तो एक सैयद के बगल में एक अंसारी भी खड़े रहते हैं, दूसरे बगल में एक हेला समुदाय भी खड़ा रहता है या लालबेगी समुदाय भी खड़ा रहता है, कोई अगले पिछड़े की वहां पे कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मुस्लिम समाज को आप गहराई से देखेंगे, आपको एक उदाहरण देता हूं, 75% या 80% से ज्यादा मस्जिदों के पेशेमाम की ताजीम, उनकी इज्जत करना, उनका अदब करना इस्लाम धर्म में ये आया है और सभी करते हैं। ऐसा नहीं है कि फला कम्युनिटी करती है, भिंकारी नहीं करती है, सभी करते हैं। 80% से एबव मुसलमान आपको जो मिलेंगे मस्जिदों के, जो पेशेमाम मिलेंगे वो पिछले समाज से आते हैं। वहीं आप दूसरे तरफ जाते हैं कि आलिम दीन की बात आप करते हैं तो उसमें भी ये परसेंटेज आपको मिलेगा। आप इमाम के बाद आते हैं शहर काजी और शायद मुफ्ती के, तो यही परसेंटेज आपको वहां पर भी मिलेगा। मुस्लिम समाज में अगले पिछड़ों का कोई भी छुआछूत की भावना ना होने से हमको तो नहीं लगता कि पसमांदा नाम की चीजों की यहां पे कोई भी एक अहमियत है। ऐसा नहीं है,
2004 से लेकर के 2006 के बीच का अगर आप सियासी दौरा यूपी का करते हैं तो पसमांदा शब्द को लेकर कई तंजीमें बनी। मंसूरी समाज की कई तंजीमें हैं जो अच्छा काम करती है मंसूरी समाज के उत्थान के लिए। अंसारी समाज की तंजीमें हैं, सरदार है, महतो है, सब कुछ है, वो भी अच्छा काम करती है, एक समाज के लिए करती है, मगर ये समाज में वर्गीकृत नहीं करते कोई भी तंजीमें। पसमांदा के नाम को लेकर के हो सकता है कि दो चार राजनीतिक फायदे व्यक्ति विशेष को पहुंचे हों। 2005-2006 तक अगर आप देखेंगे तो इदरीसी महासभा, मंसूरी महासभा, पसमांदा मुस्लिम समाज, बेशक कुछ व्यक्ति विशेष को ये सियासी लाभ दे सकते हैं, मगर ये कितने वोट बैंक में कन्वर्ट होते हैं ये एक बड़ी बात रहती है, क्योंकि छुआछूत की भावना मुस्लिम समुदाय में ना होने से इस चीज की कहीं पे भी आपको अभिव्यक्ति नहीं मिली, कहीं इसी तरीके की शिकायतें आपको नहीं मिलेंगी। अगर मुस्लिम समाज की बात करना है तो मुस्लिम समाज की शिक्षा की बात करनी चाहिए, मुस्लिम समाज के उत्थान की बात करनी चाहिए, मुस्लिम समाज के दिन पर दिन घटते हुए जो उनके शिक्षा का स्तर और बेरोजगारी का जो स्तर गिरता जा रहा है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एक बार उससे बात करना चाहिए, एक बार मुस्लिमों से संबंधित कारोबार की बात करना चाहिए, चाहे वो चमड़े का कारोबार हो या फिर बनारसी साड़ी का कारोबार हो या पावर लूम का कारोबार हो, बंद होती गद्दिए हो, ठंडे होते करघे हो, इन सारे ऊपर बात किया जा सकता है, मगर पसमांदा समाज को एक समाज विशेष को लेकर के हमको तो नहीं लगता है कि राजनीतिक फायदा। मगर कर्नाटक में ये प्रयोगशाला के तौर पे इस्तेमाल हुआ और शायद ये प्रयोगशाला फ्लॉप रही, क्योंकि वो कलिंगा समाज हो गया या लिंगायत समाज हो गया या वहां का पसमांदा मुस्लिम समाज जिसको पसमांदा मुस्लिम समाज कहा गया वो हो गया, ये सारे वोट बैंक कहीं ना कहीं से जेडीएस से भी ट्रांसफर होकर के कांग्रेस के तरफ गए, ये ध्रुवीकरण वाला सिस्टम वहां नहीं बैठ पाया। शायद ये प्रयोगशाला आगे और किसी राज्य में कामयाब हो जाए, मगर लगता तो नहीं है कि पसमांदा नाम से जिस तरीके से समाज को एक मुस्लिम समाज में दो हिस्सों में डिवाइडेशन की बात आ रही है कहीं हो पाएगा। बेशक कई राजनीतिक दल से जुड़ी हुई शख्सियतें पसमांदा मुस्लिम्स की बात करना चालू कर दी हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हैं तो सियासी फायदे उनके लिए मायने रख सकते हैं, मगर जमीनी हकीकत जो आपको है वो मैं बता रहा हूं, ये जमीनी हकीकत है कि किसी भी तरीके की इस तरीके की भेदभाव की भावना नहीं होने के कारण ही ये पसमांदा मुस्लिम समाज का कभी भी टुटका, आप कह सकते हैं कि ये सियासी टुटका कभी भी कामयाब तो नहीं हुआ है। भले से इदरीसी महासभा बड़े बड़े सेमिनार किए, बड़े बड़े सम्मेलन किए, इदरीसी महासभा ने एक विशेष राजनीतिक दल को उसका समर्थन भी प्राप्त है, मगर इदरीसी महासभा कितने वोट को उस साइड में कन्वर्ट कर पाई है ये चीज आपको 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के साफ नजर आई होगी, जिस वक्त मायावती की सरकार पूरी तरीके से गिरी थी और इस तरीके से गिरी कि मायावती की सरकार अभी भी अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। 2007 के चुनाव में भी अगर हुआ था तो यह ध्रुवीकरण पूरे समाज के तौर पर हुआ था, एक वोट बैंक के तौर पर ट्रांसफर अल्पसंख्यक मत हुआ था, उसमें पसमांदा समाज अलग नहीं हुआ था। बेशक किया जा सकता है, राजनीतिक प्रयोग होने चाहिए और राजनीतिक प्रयोग हुए भी, मगर कर्नाटक के चुनाव ने बहुत कुछ साबित कर दिया। इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूं, मैं तारिक आजमी, आदाब।